हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्लोन स्टेम टूल के बारे में। क्लोन स्टेम टूल, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, क्लोन यानी किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट करना, ठीक है। ये क्लोन स्टेम टूल जो है वो रिटचिंग और रिपेंटिंग इमेज के लिए काम आता है। इस टूल को हम जो है रबर स्टेम टूल भी बोलते हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है। आप देखते हैं हम क्लोन स्टेम टूल जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्लोन स्टेम टूल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये एक रसबेरी है, इसको मुझे हटाना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपना हम जो सैम्पल पिक्सल है उसे सिलेक्ट करेंगे। सैम्पल पिक्सल सिलेक्ट करने के लिए हमें ऑल्ट की प्रेस करना है और माउस से प्रेस करना है। देख सकते हैं आप, ये कर्सर का हमारा जो साइन है वो चेंज हो चुका है। ये हमने जो है सैम्पल पिक्सल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस पर जो है क्लिक कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक रसबेरी है वो हाइड हो चुकी है। अब दूसरा, हम कैसे इस रसबेरी को दोबारा से वापस लेके आते हैं वो देखते हैं। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है सैम्पल पिक्सल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सैम्पल पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, पहले जो हमें सैम्पल पिक्सल चाहिए उसका जो साइज़ है, जिसकी मेरे को यहाँ पर ये रसबेरी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उसका जो साइज़ है पहले वो सेट करना पड़ेगा। ये हमारा साइज़ जो है वो ठीक है, मैंने यहाँ पे 281 पिक्सल लिया है और इसकी हार्डनेस जो है वो 0 रखूँगी। अब हम जो है सैम्पल पिक्सल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे ऑल्ट और माउस क्लिक करके। अब इसको यहाँ पे हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, माउस से क्लिक करेंगे और ये हमारे रसबेरी आ गई।